हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पर, जो पुराना वाला फिशिंग पॉइंट था वहीं पर फिशिंग करेंगे। तो नज़ारा आज का काफ़ी अच्छा है क्योंकि बारिश हो रही थी, आ रहे थे रास्ते में, तो भीग गए हैं काफ़ी ज़्यादा। देख रहे होंगे असल माइक ऑफ करके भीग गए हैं। खालिद भी कुछ तैयारी कर रहे हैं कि क्या करना है आगे का। थोड़ा समय तो नहीं, यू भाई को इधर झोला करा, यू का रखा है ला। तो हमने यहाँ पर शॉट मिस कर दिया है, मैं कुछ और कर रहा था यार, असलम मैंने तब तक जो है मार दिया, ऊपर उठा उसको। अच्छा रख लो, रख छुड़ाओ 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 भैया, वीडियो बना छुड़ाओ। अच्छा पूरा सिस्टम है तो पानी जैसा कलर है, एकदम से पानी कलर है, ऐसे पीले कलर की पीली बाम। क्या हुआ, फटी है क्या? कौन सी वाली है ये, किचवा वाली, झिक वाली? किचवा पाए दिन ये छुड़ाने में क्या होता है कि कांटा जब फंस जाता है अंदर काफ़ी ज़्यादा, बाम मछली क्या होती है पूरा अंदर तक निकल जाती है, तो उसको खींचना पड़ता है। तो छुड़ाने में जैसे खींच खींच के फिर तो उसको निकाल देते हैं। अबे तुम के नीचे एक कांटा होता है, वो कांटा दिखाओगे यार? अरे दिखा दो यार, ये देखो ऊपर के कांटे देखो कितने खतरनाक होते हैं। ऊपर के कांटे जो चुभ रहे हैं हाथों में, आरी की जैसे होते हैं एकदम। और ये एक नीचे कांटा होता है, ये जो है इससे वार करता है अपने दुश्मन पे, उसका काम ख़त्म करने के लिए। बहुत खतरनाक होती है मछली, इसकी जो बनावट होती है वो बहुत ही शिकारी स्टाइल में होती है। यहाँ पर खालिद ने कुछ बढ़िया सा शिकार किया है, बाम ही है शायद, नहीं पतला है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ऊपर। खालिद ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है यार, जब ये लहराता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए ये लहराने की इसकी कला, आह माशाल्लाह भाई, ये देखो ये कितना गजब का लगता है जब ये लहराता है। चलो भैया असलम भाई, कुछ शायद यहाँ पे हुआ था या नहीं। अरे एक कदम रख लो यार, एक बार देख लो यार कितना पानी है, क्या है तोड़ने के लिए। कांटा टूट गया, असलम भाई दौड़ते हुए, आराम से असलम भाई। मौसम काफी खुशगवार है, अभी थोड़ी देर पहले काफी गर्मी लग रही थी यार, धूप हो रही थी, अब मौसम फिर से अच्छा हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। कुछ भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी यहीं हमारी तरफ ही एक गांव पड़ता है, उसका नाम है गोधना, ये गोधना से आए हुए हैं।
ये गोधना के रहने वाले हैं, दो बंदे सामने वाले। फिलहाल इतनी दूर आने का मतलब यही है, इतनी दूर वही आएगा फिशिंग के लिए जो शौकीन होगा, ये नहीं कि अपनी रोजी रोटी के लिए आता है, वो शौकीन जो है वही आता है यहाँ पे, उसकी जो शौक होती है वही उसको खींच के लाती है यहाँ तक इतनी दूर तक। क्योंकि फिशिंग के लिए ये होता है कि तालाब में करने में मज़ा नहीं आता फिशिंग, जो मज़ा नदियों में होता है। वाला बंदा उधर कौन सा सिंह आएगा, सामने वाले बंदे ने एक सींग मछली जिसको कैटफिश कहते हैं, अगर वो कांटा मार देती है अपना तो किसी किसी को तो 8-8 दिन तक बुखार आ जाता है, इतना जो है जहर होता है उसके अंदर। लेकिन वो उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है कैटफिश। सामने वाले को देख के ऐसा लगता है, एक्शन से तो ऐसा लगता है बस मारने जा रहा है। अभी तक मैं इसको इतनी जैसे यही देख रहा हूँ, जो दूसरा वाला है ये वाला येलो वाला, येलो शर्ट वाला, इसने तो खैर 3 मछलियाँ मेरे सामने पकड़ी हैं। एक कैटफिश है, नहीं 2 कैटफिश हैं, एक जो पटन होती है ना, पड़न जिसको कहते हैं, पड़न की छोटी सी उसी में का साइज होता है वो वाली पकड़ी इसने, और एक बाम थी, और एक उसको कहते हैं हमारे वहाँ तो सींग कहते हैं, पता नहीं और कहाँ पर क्या कहते हैं। कैटफिश होती है बहुत जहरीली होती है, उसका जो कांटा होता है बहुत जहरीला होता है। एक खालिद भाई ने एक मछली पकड़ी थी, पतला कहते हैं इसको, टूना फिश टाइप ये होती है, पम्फ्रेट जैसी, यहाँ पर इसको पतला कहते हैं, पता नहीं यार आप लोगों के वहाँ पर इसको क्या बोलते होंगे। तो ये है, अभी भी ये जिंदा है, मरी नहीं है, इसको लगभग नहीं अभी भी ये जीवित है, इसका 1 घंटे से ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी भी ये जीवित है, इसमें कुछ हो नहीं है। असलम भाई को ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर कुछ होने वाला है तो वो तैयारी में लग गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो बहाव की वजह से है। देखो चारे कटिए राजा लगा डर के, ये किला देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये देखो ले जा रहा है, ये ले गया, ये आ गया, क्या है आप लपकी, ये असलम भाई ने मार दी। चलो आखिरकार जो है ये आ ही गई, इसने बहुत दिमाग खराब कर रखा है असलम भाई ने, आखिरकार कुछ कर दिया, असलम का दिमाग कंफ्यूज में आ रहे थे ये कौन सी मछली। ये दरअसल ये एक नदी में इस तरह की मछली मारना बहुत ही शर्म की बात है, और असलम भाई शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे कुछ होता तो बताते हैं हम। तो अब यार चलने की तैयारी में हैं हम लोग, ये देखिए जो भी फिशिंग स्टिक वगैरह कटिया वटिया है वो सब बांध रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर कटिया बोलते हैं। तो असलम भाई अपना मुंह धो रहे हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा थी दोपहर में, अभी तो खैर मौसम सही है तो गर्मी बहुत लग रही थी इनको।
ये देखिए, ये इस साइड जो है वो है सराय रिवर, और जो दूसरी साइड है ये इधर इधर है गोमती। ये दोनों आके ये इस सामने जो है यहाँ पर वो देख रहे होंगे, वहाँ पे आपको देख रहे होंगे कुछ बंदे, सामने घर है, वो एक गांव है ना, वो वहाँ पे जो है इसका जॉइंट है। दोनों नदियाँ आके वहाँ पर मिल जाती हैं आपस में। ये गुटखा खा रहे हैं, मैंने इनको बताया कि ये जो है हानिकारक होता है, लेकिन ये लोग जो है गुटखा खाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख के तो नहीं दूंगा, स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये वैसे खाना नहीं चाहिए, मैंने बता दिया। खैर, जैसे वो मूवीज़ में लिख के नहीं आ जाता है कि हाँ यार ये सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये भी मैं बस ये कह सकता हूँ कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं दिखा दिया तो मैं इसलिए बता भी रहा हूँ आपको। वैसे मैं ये सब नहीं खाता हूँ। तो यार, वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी कमी है या जो भी आपको अच्छा लगा वो चीज़ ज़रूर बताइएगा। अब अगले जो अगला सेशन रहेगा हम लोगों का, अगली बार जो हम लोग मिलेंगे तो दूसरी जगह जाएंगे, वो इधर रहेगा नेपाल बॉर्डर की साइड में जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पर काफ़ी कई सारी नदियाँ हैं, वहाँ पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है।